ओम शांति। मैं संगम योगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा उस पल को याद कर रही हूं जब पहली बार मैं बाबा के पास आई। नया जन्म, नया जीवन मिला। बाबा ने पुराना सब कुछ ले लिया। और अपने गुण, अपनी शक्तियों और ज्ञान से श्रृंगारा। अपने सारे अधिकार मुझे सौंप दिए। बाबा को शुक्रिया करने मैं सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने फरिश्ता रूप में पहुंचती हूं। बाबा के मस्तक से, नैनों से दिव्य रोशनी मुझ फरिश्ते पर निरंतर आ रही थी। बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया, सारे ब्राह्मण परिवार को सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया। बाबा को मैं निहार रही थी कि हर बच्चे को बाबा प्यार भरी दृष्टि से देख रहा था, हर एक के विशेषता की खुशबू ले रहा था, एक एक की विशेषता सुना रहा था। बाबा कहे, बच्ची, इस ब्रह्मा की ये सहस्त्र भुजाएं हैं, बाबा के कार्य में मददगार बच्चे हैं। हर एक बच्चे में कुछ एक ऐसी विशेषता है जिसके बिना बाबा का कार्य नहीं हो सकता। हर एक बच्चा इस बाबा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इस जन्म की शुक्रिया बोलना ही है तो इस स्नेह का एक रिटर्न मुझे देना। बाबा ने अपने हाथों में मेरा हाथ लिया। और बाबा बोले, जो यज्ञ बाबा ने रचा, जो ब्राह्मण बाबा ने चुने, इनके प्रति हमेशा स्नेही रहना और इनको सहयोग देते चलना। ये कहकर बाबा ने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगाया
कि आज से आप स्नेही, सहयोगी, फरिश्ता हो। और हाथों में बहुत प्यारा सा एक कंगन पहनाया। ये कंगन तुम्हें याद दिलाएगा कि अपनी वृत्ति को, अपनी भाव और भावनाओं को सदा स्वच्छ और शुभ रखना। बाबा को जी बाबा के हैं। बाबा के साथ बाप समान अवस्था में स्थित हो इस ब्राह्मण परिवार को बहुत सारी दिल की दुआएं देते हैं। आप सभी का पुरुषार्थ समय के पहले संपन्न हो। बहुत दिल से बाप दादा के साथ बैठकर ये दुआ हर एक उस ब्राह्मण बच्चे के लिए समय से पहले हर एक बच्चा संपन्न हो। बाबा की आशाओं का दीपक हर एक बच्चा बने। हर एक का स्वास्थ्य स्थिति शक्तिशाली रहे। हर परिस्थिति में स्वयं भी उड़ने वाले और दूसरों को भी उमंग उत्साह से उड़ाने वाले फरिश्ते बने। बाबा का प्यार, बाबा की पालना, बाबा की छत्र छाया हर एक वो ब्राह्मण आत्मा अनुभव करे। हर एक की दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, वाइब्रेशंस एक दूसरे के लिए हमेशा स्नेही और सहयोगी रहे। Thank you.
ऐसे कह के। मैं स्नेही सहयोगी फरिश्ता, बाबा से दृष्टि लेते लेते वापिस अपने देह में इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित होती हूँ। अपने मस्तक पर पुनः वो स्मृति का तिलक अनुभव करती हूँ कि इस देह में मैं स्नेही सहयोगी अवतरित फरिश्ता हो और इस हाथों में मैंने मर्यादा का एक कंगन डाला है। सभी के लिए अपनी वृत्ति को, भाव भावनाओं को हमेशा स्वच्छ रखना है और शुभ रखना है। ओम शांति।